हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा टॉपिक अकॉर्डिंग इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंकिंग एग्जाम में उसका वेटेज है मिनिमम 5 मार्क का वेटेज है, मैक्स टू मैक्स 10 मार्क का वेटेज है। इसलिए प्रॉपरली ध्यान दीजिए कि मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। टोटल 5 क्वेश्चन लिखा है अकॉर्डिंग इक्वेशन के। इसका जो वेटेज रहेगा SBI क्लर्क में काफी ज्यादा रहेगा, इसलिए प्रॉपरली आप ध्यान दीजिए। चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोला, 2x² प्लस 19x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ओके, दूसरा इक्वेशन क्या है, 2y² प्लस 11y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यही दिया हुआ है। देखिए दोनों साइन प्लस प्लस के, तो ऑपोजिट में क्या आएगा, दोनों साइन माइनस माइनस की आएगी। यहाँ पर भी दोनों साइन जो है माइनस माइनस में आएगी, ठीक है। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है हमें, 90 मिलता है, ठीक है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है हमें, 24 मिलता है, ठीक है। अभी हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिसका एडिशन करने से हमें 19 मिलेगा और मल्टीप्लाई करने से हमें 90 मिलेगा। तो 10 और 9 आ जाएगा, 10 9 जा 19 और 10 प्लस 9 19 आ जाएगा। दोनों को 2 से डिवाइड करना है, तो यह माइनस 5 मिल जाएगा या माइनस 4.5 मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बताइए, ऐसे दो नंबर बताइए जिसका एडिशन करने से 11 मिलेगा और मल्टीप्लाई करने से 24 मिलेगा, ठीक है। तो 8 एंड 3 मिलेगा, 8 3 से 24, 8 प्लस 3 11, दोनों को 2 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो माइनस 1.5 मिलेगा, यहाँ पर माइनस 4 मिलेगा, ठीक है। देखिए माइनस 4 एंड माइनस 1.5 जो है ना, माइनस 4 एंड माइनस 5 से बड़े है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या मिला हमें क्या मिलेगा, y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। देखिए माइनस की छोटी वैल्यू हमेशा बड़ी रहती है माइनस की बड़ी वैल्यू से, ये बेसिक आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो माइनस 1.5 माइनस 4 से 4.5 से ही बड़ा है, माइनस 5 से ही बड़ा है, और माइनस 4 भी जो है माइनस 4.5 और माइनस 5 से बड़ा है, ठीक है। तो y इज ग्रेटर देन x। चलते सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला, x² इज इक्वल टू 16, ओके। एंड दूसरा क्या है, 2y² माइनस 17y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। देखिए x² इज इक्वल टू 16 बोला है, मतलब एक साइन हमारी प्लस में आएगी, एक साइन हमारी माइनस में आएगी। और ये जो अमाउंट है ना, वो किसका स्क्वायर ये पूछा है, तो ये 4 का स्क्वायर है। एक प्लस 4 मिलेगा, एक माइनस 4 मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए 36 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा, 72 मिलेगा, ठीक है। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, 72 मिलता है। हमें दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिसका एडिशन करने से 17 मिलेगा और मल्टीप्लाई करने से 72 मिलेगा। तो 8 एंड 9 मिल जाएगा, 8 और 9 मिल जाएगा, 8 9 सा 72, 8 प्लस 9 17, ओके। दोनों को 2 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ 4.5 मिलेगा और यहाँ पर 4 मिलेगा, दो नंबर यहाँ प्लस में, ठीक है। प्लस 4 जो है इसके इक्वल है और इससे इंक्रीज है, प्लस 4.5 इससे ही बड़ा और इससे ही बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिला हमारे, हमें y इज ग्रेटर और इक्वल टू x, ओके। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या मिला, y इज ग्रेटर और इक्वल टू x। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको साइनिंग मेथड अच्छे से आ गई, तो आप लोग 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। चलते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला, 6x² प्लस 19x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3y² प्लस 11y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 90 मिलेगा, है कि नहीं। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 30 मिलेगा। यहाँ पर तो ऑलरेडी आपको पता हो गया 10 और 9, यहाँ पर जैसे ये रिपीट हुआ है, 10 9 सा 90, 10 प्लस 9 19, दोनों अमाउंट माइनस माइनस की है, दोनों को 6 से डिवाइड करना है, माइनस 1.5 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस 1.66 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर दो नंबर बताइए जो अमाउंट माइनस माइनस में आएगी, तो 6 एंड 5 मिल जाएगा, दोनों को 3 से डिवाइड कर लीजिए, माइनस या माइनस 1.66 मिलेगा, ठीक है। देखिए माइनस 1.6 और माइनस 1.6 इक्वल है, माइनस 2 माइनस 1.6 से छोटा है, तो माइनस 1.6 बड़ा आ जाएगा, और माइनस 1.5 इससे इंक्रीज है, ठीक है। और इससे क्या है, इससे भी इंक्रीज है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया, x इज ग्रेटर और इक्वल टू y, ठीक है। तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू y, एक भी इक्वल की साइन आ गई ना, तो ग्रेटर और इक्वल की साइन आ जाती है, ठीक है। चलते फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला, 2x² माइनस 11x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2y²
माइनस 11y प्लस 14 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखिए माइनस प्लस दिया है तो दोनों साइन आएगी प्लस प्लस में, कंफर्म। माइनस प्लस दिया दोनों साइन आएगी प्लस प्लस में। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 13 मिल जाएगा, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 28 मिल जाएगा। ठीक है, हमें दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिसका एडिशन करने से 11 मिलेगा, मल्टीप्लाई करने से 13 मिलेगा, तो 6 एंड 5 मिल जाएगा। 6 एंड 5, 5 6 या 30, 6 प्लस 5 11, दोनों को 2 से डिवाइड कर लीजिए, प्लस 3 एंड प्लस 2.5 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर सेम हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने जिसका एडिशन से 11 मिलेगा, मल्टीप्लाई से 28 मिलेगा, तो 7 एंड 4 आ जाएगा, 7 4 से 28, 7 प्लस 4 11, दोनों को 2 से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर 3.5 मिल जाएगा, यहाँ प्लस 2 मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग कंपैरिजन कर सकते हो, प्लस 3 को प्लस 3.5 से कंपेयर किया तो प्लस 3.5 बड़ा है, और प्लस 3 को प्लस 2 से कंपेयर हो तो प्लस 3 बड़ा है, तो ग्रेटर स्मॉलर की साइन आ रही है ना, कई जगह 3 बड़ा है, कई जगह 3.5 बड़ा है, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, सी एन डी। सी एन डी फुल फॉर्म क्या आता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन दिस टू इक्वेशंस कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। ओके, देखिए ऑप्शन में कैसा सी एन डी कैसे ऑप्शन में रहता है, कैसा रहेगा, तो ये सी एन डी होता है। ठीक है, चलते हैं हमारे अभी आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 28 इज इक्वल टू जीरो, यही दिया है। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, 36 मिलेगा, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 56 मिलेगा। ठीक है, दो नंबर हमें ऐसे बताने हैं जिसका एडिशन करने से 13 मिलेगा, मल्टीप्लाई करने से 36 मिलेगा। ठीक है, सेम एज इट इज, वहाँ पर हमें ऐसे दो नंबर बताने हैं जिसका एडिशन करने से 15 मिलेगा, मल्टीप्लाई करने से 56 मिलेगा। वहाँ आप लोग को ऑन द स्पॉट समझ में आ गया होगा, 7 और 8 मिलेगा, 7 और 8 दोनों अमाउंट प्लस प्लस में आएगी क्योंकि माइनस प्लस दिया है। 7 8 जा 56, 7 प्लस 8 15, दोनों को 2 से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ क्या मिलेगा, 3.5 मिलेगा, यहाँ पर 4 मिल जाएगा, प्लस 3.5 एंड 4 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दो नंबर बताइए, 9 4 जा 36, 9 प्लस 4 30, 9 प्लस 9 4 जा 36, दोनों को 3 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, प्लस 3 मिलेगा, यहाँ प्लस 1.33 मिलेगा। ठीक है, अभी आप लोग कंपैरिजन कर सकते हो, प्लस 3.5 और प्लस 4 जो है प्लस 3 और प्लस 1.3 से कम बढ़े। ठीक है, मतलब इंक्रीज में है, आप देख सकते हो प्लस 3.5 3 से ही बढ़ा है, 1.3 से ही बढ़ा है, और प्लस 4 दोनों से बढ़ा है, तो इसका आंसर क्या मिल गया हमें, y इज ग्रेटर देन x। ओके, तो हमारा आखिरी क्वेश्चन का आंसर क्या मिला, y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, तो इसी तरह मेरे पांचों क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। इन टोटल पांचों क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी डाउट आए या फिर क्वेरी है, आप मुझे कमेंट्स में आके बता सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद।